दिल कह रहा है नंदिनी से ये पूजा करवाएं, लेकिन दिमाग कह रहा है धर्म के साथ जाएं। भगवान कोई तो रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। आप जब तक हमें कोई रास्ता नहीं दिखाते, हम तब तक इस नंदिनी को नहीं रोकेंगे। पूजा में गंगा जल नहीं दिखाई दे रहा है, बेटा गंगा जल ले आइए। जी पंडित जी। जलते हुए हवन कुंड का बुझना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। हे प्रभु, ये अचानक पूजा में विघ्न क्यों आ गया? हम आपका आदेश समझ गए हैं भगवान। नंदिनी खड़ी हो जाओ। कैसे पता चला? दादी आपने पूजा क्यों रुकवा दी? तुम भले आकाश से सच्चा प्यार करती हो, लेकिन हम तुम्हें अधर्म के रास्ते पे नहीं चलने दे सकते। तुम आकाश के साथ ये पूजा में नहीं बैठ सकते हो नंदिनी। ये पूजा में सिर्फ बिजली बैठ सकती है। चंटो तूने हमें धोखा दिया। सत्यानाश सुमित्रा जी, ये कैसा घर है आपका? यहाँ हर रोज नए नए नाटक होते ही रहते हैं। सुमित्रा जी, आपके इस मंदिर समान घर में अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो बहुत जल्द आपका ये मंदिर समान घर अयोध्या का सबसे बदनाम घर कहलाने लगेगा। तू अगर यहाँ है तो बिजली कहाँ है? हेलो, क्या बिजली को सह दिया? अभी अभी फोन आया मुझे, बिजली मर चुकी है। नंदिनी, क्या तुमने बिजली को जहर दिया? नहीं दादी माँ, हमने उसे जहर नहीं दिया, हमने बस उसे डराने के लिए थोड़ी नींद की गोलियां दी है, बस हमने नहीं मारा उसे, झूठ है। सुमित्रा जी, हम सच कह रहे हैं। कल ही हमने टीवी में ब्रेकिंग न्यूज सुना था कि अगर नींद की गोलियों का ओवरडोज हो जाए ना, तो वो जहर का ही काम करती है। अगर कोई ज्यादा नींद की गोलियां खा ले ना, तो वो जहर की तरह जैसे खा के मरते ना, वैसे ही मर जाते हैं। हमें तो लगता है कि इस गंवारन ने ऐसा ही कुछ किया है। हम तो कहते हैं अभी के अभी आप पुलिस को फोन कीजिए और इस गंवारन को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ठीक कह रही है लीला जी, और नहीं तो क्या, हम किसी मुजरिम को घर पे नहीं रख सकते। आप फोन करके पुलिस को बुलाइए। हाँ। एक बहू ने दूसरी बहू को मारने की कोशिश की है, ऐसा परिवार है? ये तो बड़ी शर्म की बात है। दादी माँ, हमने सच में बिजली को जहर नहीं दिया था, हमने बस बहुत कम मात्रा में उसे नींद की गोली दी है। दादी माँ, बिजली नहीं मर सकती हूँ, वो नहीं मर सकती। मरी नहीं है बिजली। लेकिन मारने की पूरी तैयारी कर ली थी ना तूने? मैंने ही काम्या चाची को मेरी मौत की झूठी खबर बोलने को कहा ताकि तू सच्चाई बोल सके। जितना भोला हम सब तुझे समझते थे, उतनी भोली तू है नहीं। सोचा था
अगर दवाई थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती तो जान जा सकती थी मेरी। देखिए सुमित्रा, इसको घर में रखने का नतीजा। अरे हम तो सोचते थे इस घर में सबसे बड़े चालबाज हम हैं। ये तो हमारी भी अम्मा निकली। हमें तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन तुम्हारी ये हरकत ने हमारा विश्वास तोड़ डाला नंदिनी। अब हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। भले तुमने बिजली को जहर ना दिया हो, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते में जरूर जहर घोल दिया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। हमारा दिल बहुत टूट गया। दादी माँ हमारी बात सुनिए। दादी माँ, आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? आप कोई पूजा वूजा नहीं होगी? पूजा समाप्त हो चुकी है, चलिए अपने घर। यहाँ कोई पूजा नहीं होगी। पंडित जी, हो गई पूजा संपन्न। जय सियाराम। जय श्री राम। नंदनी, देखो इन मामूली सी आंधी से चट्टान कभी डगमगाते नहीं है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है नंदनी, और तुम्हें तो अंत तक लड़ना है। तुम्हें तुम्हारा पति, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा सब कुछ उस बिजली से वापस लेना है। डगमगाना नहीं है। सही कह रहे पंडित जी, रो हम यू रोकर खुद को बेबस नहीं कर सकते। हमें ये जंग लड़नी है, उस बिजली से अपना सब कुछ वापस छीनना है हमें, और हम छीनते रहेंगे। समझ नहीं आ रहा उस नंदिनी की हड्डियों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। जो लड़की कल तक बकरी की तरह मिमियाती थी, आज लोमड़ी की तरह चाले चलने लगी है। लेकिन जो भी हो, आज पहली बार उस नंदिनी ने तुझे टक्कर दी है। अगर अभी के अभी इसकी हिम्मत ना तोड़ी गई ना, तो वो तो तेरा जीना मुश्किल कर देगी बिटिया। वही ना, सोचो जरा, अगर उसने आज तुम्हें सच में जहर दे दिया होता तो हम ये बात करने की बजाय तुम्हारी अर्थी पे रो रहे होते। पानी भले ही नाक के ऊपर जा चुका है, लेकिन उस पानी में हम नहीं, वो नंदिनी डूबेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज नंदिनी का आखिरी दिन है इस दुनिया में। अब जैसा मैं कहती हूं वैसा तुम तीनों कर दीजिए। काम्या जी, इमरती जी, ये बिजली अपने आप को क्या महारानी समझती है, जो अपने कमरे में बिस्तर पे आराम से बैठ के कंबल ओढ़ के आराम फरमा रही है, और हम तीनों को नौकरानी बनाकर ऐसे काम पे लगा दिया है। मेरी बहन जी, सोचिए, मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना, तो वो बिजली हम तीनों का कांड फोड़ देगी सुमित्रा के आगे। चल कम्या, जल्दी कर, टब भर और इसको डुबा दे। चल जल्दी कर। ऐसे तो इसकी मौत का इल्जाम हम पे आ जाएगा। फिकर मत कर, कोई भी पूछेगा तो हम बोल देंगे ना कि हमें क्या पता। अरे चंडो मैया को तो टब में नहाना ही नहीं आता था। ऑफिसर क्या गिर गई होगी, बेहोश हो गई होगी, मर गई। देख, सुमित्रा और आकाश बाहर गए। जाने से पहले एक काम खत्म कर देते, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, इधर आइए। भगवान आज बचा लेना। डरो मत, फटाफट करो। चलो
सुनो, अचानक मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? दादी ठीक तो है? हेलो दादी, आकाश हम मीटिंग में है, थोड़ी देर में फोन करते हैं। ठीक है दादी। दादी तो ठीक है, फिर क्यों मेरा दिल घबरा रहा है? नंदनी को तो कुछ नहीं हुआ? नंदनी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं ये फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं है? काम्या जी। हाँ। सर आप जाके देख के आइए ना कि वो गवार नंदनी मरी या नहीं। अगर मर गई हो ना तो नल बंद कर देना। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ। नंदनी नंदनी नंदनी, पूरा घर देखिए, नंदनी का कुछ पता नहीं चल रहा है। एक काम करता हूं, मैं उसे फोन करता हूं। नंदनी का फोन यहाँ क्या कर रहा है? वो ठीक तो है ना? तू तीनों लोग की ताकत क्यों ना लगा ले आकाश बिटुआ, लेकिन हम तुझे नंदनी तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। घर का एक एक कोना देख लिया, नंदनी कहीं नहीं दिख रही। ऐसे भी ना बताए तो कहीं नहीं जाती। फोन भी उसका यहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। बेटा सुकर, सुकर तू मिल गया। हमरा तो जी हमरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आंसू खड़ रही, छाती फट रही। बेटा हमारी दवाई भी खत्म हो गई। तुम बेटा हमको दवाई लाके देगा ना? हम मैं ठीक है, लेके आता हूँ। अच्छा वैसे आपने नंदनी को देखा क्या? नंदनी इधर ही तो थी, यहीं कहीं होगी। ठीक तो थी ना वो? बिल्कुल हड्डी कट्टी पहलवान की तरह घूम रही थी। हाँ उसे क्या होगा, हम मर जाएंगे। ठीक है मैं लाता हूं। ये पानी कहां से आ रहा है? पता नहीं
या डूबी होगी कि नहीं अब तक। पर जो भी हो, हमें ना आकाश के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने का नाटक करना ही होगा, नहीं तो उससे हम पे शक हो जाएगा। आप तीनों में से किसने की है हरकत? किसने नंदिनी को टब में डुबाने की कोशिश की? आपने की? आपने? अरे कुछ भी, अरे क्या कह रहा है बिटुआ? ये चंटू डूब गई थी। ए बूढ़े बाबा, अरे आकाश बा, कसम से बिटुआ नहीं, चंटो को किसने डुबा दिया? ए चंटो, तेरे को किसने डुबा दिया था, बता तो जरा। मतबल, क्या तूने किसी को देखा तुझे डुबाते हुए? नहीं, किसी को नहीं देखा हमने। कोई आया और हमारे मुंह पे हाथ रख के हमें बेहोश कर दिया, और याद नहीं। बिजली और आप तीनों के अलावा और कोई दुश्मन नहीं नंदनी का, इसलिए साफ साफ बता दीजिए किसने किया, वरना मैं बस। बस करो सुमित्रा देवी के चहीते पोते, सबर करो। तुम्हें क्या लगता है हम कोई चोर लुटेरे डाकू या आतंकवादी है जो हम ऐसी ओछी हरकत करेंगे? एक नौकरानी को मारने की कोशिश करेंगे? हम अयोध्या की जानी मानी हस्ती है, इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं कि दोबारा हम पर ऐसे आक्षेप डालने से पहले हजार बार, नहीं नहीं नहीं, 1,00,000 बार सोचना और उसके बाद अपना मुंह खोलना। आई बात समझ में? नाराज हो? देखो नंदनी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है किसने क्यों हो गए? अरे ये क्या बताएगी, हम ही बता देते। आकाश सारा कर्म कांड बिजली का करा दे रहा है। क्योंकि उसने सोचा आकाश तो नंदिनी के प्यार में डूबा चला जा रहा है, तो क्यों ना नंदिनी को ही डुबा के मार दिया जाए, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने सोचा इसके बाद आकाश हमारे प्यार में डूब जाएगा, तो बिजली ने उसको डुबा दिया। बिजली, ए बिटुआ, अंग्रेजी रुक। सुनो, सौ शैतान मरे होंगे तब जाके आप पैदा हुई होंगी सासु में। मतलब सारा किया धरा उस बिजली पे डाल दिया। हमरा तो भाई सिर्फ एक ही मंत्र है, वो का कहते हैं अंग्रेजी में, डिवाइड एंड रूल। झगड़ा लगाओ और तमाशा देखो। बेचारो शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप। अरे बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है नंदनी, मैं जब तक उस बिजली को इस घर से नहीं निकाल देता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हट जाओ मेरे रास्ते। मैं जोश में होश नहीं खोना है। अगर आप गुस्से में वहां गए और उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो महिला मोर्चा वालों को बुला लिया तो क्या करूं मैं?
हाथ में हाथ धरे बैठा रहूं, तुम्हारे खिलाफ साजिश होते देखता रहूं मैं? क्या करूं बताओ? रेजीरो, हमने ये कब कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे? हम उससे बदला लेंगे, पर वो भी उसी के अंदाज में। और हमें पूरा विश्वास है, जब तक हम बिजली से अपना सब कुछ वापस नहीं पा लेते, तब तक ना हम ये घर छोड़ के जाने वाले और ना ही ये दुनिया। खबरदार, अगर तुमने ऐसे दुनिया से जाने की बात की तो तुम कहीं नहीं जा रही हो। कभी सोचा है कि तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? हम कहीं नहीं जा रहे अमरीजीर, अब बस अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें अपना अगला कदम उठाना होगा। क्या करने वाली हो तुम? हाँ, बस देखते रहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.